स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंपाउंड, व्हाट इज कंपाउंड? डिफाइन कंपाउंड। व्हाट डू यू मीन बाय कंपाउंड? व्हाट डू यू नो अबाउट कंपाउंड? इस तरह से पेपर में पूछ सकता है। कंपाउंड की तारीफ लिखें, कंपाउंड के बारे में आप क्या जानते हैं? इस तरह की स्टेटमेंट दे सकता है। जब एलिमेंट्स, एटम्स या आयंस एक फिक्स्ड रेशियो के साथ कंबाइन करें और न्यू स्पीशीज फार्मूला यूनिट या मॉलिक्यूल बना लें, लेकिन उनके कम्बिनेशन की रेशियो फिक्स हो, तो उसे कंपाउंड बोलते हैं। एग्जाम्पल्स डिस्कस करते हैं। सपोज करें आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड है, फिक्स्ड रेशियो है। अगर आपको कार्बन डाइऑक्साइड की पेयर करनी है तो कार्बन और ऑक्सीजन की जो अकॉर्डिंग टू मास रेशियो है वो होगी 12:32। इसी तरह से सपोज करें आपके पास सल्फ्यूरिकेशन है, इसमें फिक्स कंपोजिशन होगी। हाइड्रोजन के 2 एटम हैं, सल्फर का 1 एटम है, ऑक्सीजन के 4 एटम्स हैं। अगर ये किसी रेशियो से कंबाइन करेंगे फिक्स रेशियो से, तो सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा। अदरवाइज कोई और चीज़ तो हो सकती है, सल्फ्यूरिक एसिड नहीं होगा। तो कंपाउंड कहते ही उस चीज़ को है जिसमें कम्बिनेशन की फिक्स रेशियो हो, और फिक्स रेशियो के बाद जो प्रोडक्ट होती है उसको कंपाउंड बोलते हैं। केमिस्ट्री में जो पार्टिकल्स हैं, बेसिक पार्टिकल्स हैं, उनके बारे में थोड़ी सी अवेयरनेस होनी जरूरी है। वो है एटम्स। एटम्स आपस में कंबाइन करें तो मॉलिक्यूल्स। एटम्स में अगर चार्ज आ जाए तो आयन, आयन से अगर कंबाइन करें तो फॉर्मूला यूनिट्स। आज के आर्टिकल में जो चीज़ें हैं, बेसिक नॉलेज के बारे में होना जरूरी है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है आयोनिक कंपाउंड। हमेशा से हमने रखे हैं, जब एटम्स कंबाइन करें तो मॉलिक्यूल्स बनते हैं, और जब आयंस कंबाइन करें तो फार्मूला यूनिट्स बनते हैं, और जो फार्मूला यूनिट्स हैं वो आयोनिक कंपाउंड्स हैं। तो आयोनिक कंपाउंड में, आयोनिक कंपाउंड्स के बारे में जानने से पहले आपको ये नॉलेज होना चाहिए कि एटम्स पे जब चार्ज आएगा प्लस या माइनस, तो वो आयन बन जाएगा, और जब आयन आपस में कंबाइन करेंगे तो फार्मूला यूनिट्स बनेंगे, और फार्मूला यूनिट्स को आयोनिक कंपाउंड्स कहते हैं। तो आयोनिक कंपाउंड्स की फॉर्मेशन के लिए जो बेसिक यूनिट्स हैं वो आयन्स हैं, के एट आयन्स हैं जिन पे प्लस चार्ज हो, और एन आयन्स हैं जिन पे माइनस चार्ज हो। अगर प्लस और माइनस वाले चार्जेस आपस में कंबाइन कर जाएं तो जो न्यू प्रोडक्ट होगी वो आयोनिक कंपाउंड होगा। सपोज आपके पास सोडियम आयन प्लस चार्ज है, क्लोराइड आयन माइनस चार्ज है, जब ये दोनों कंबाइन होंगे तो जो न्यू प्रोडक्ट है वो सोडियम क्लोराइड है, वो आयोनिक कंपाउंड है। इसी तरह से कॉपर सल्फेट है, बहुत सारी इसकी एग्जाम्पल्स हैं जो आयन जिससे मिलकर चीज़ें बनेंगी, कैल्शियम क्लोराइड है। तो जो चीज़ें आयन जिससे मिलकर बनती हैं वो आयोनिक कंपाउंड्स हैं, और जो चीज़ें एटम जिससे मिलकर बनती हैं वो मॉलिक्यूल्स हैं, और मॉलिक्यूल्स को कोवेलेंट कंपाउंड्स बोलते हैं। तो आयोनिक कंपाउंड के बारे में किसी तरह का कोई डाउट है तो शेयर करें। एनी डाउट? क्लियर? नेक्स्ट वन इज कोवेलेंट कंपाउंड। कोवेलेंट कंपाउंड में एटम्स जब सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू, डबल कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू, या ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू आपस में कंबाइन करते हैं, तो जो न्यू स्पीशी है, न्यू प्रोडक्ट है, वो क्या होती है? मॉलिक्यूल्स। और जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं। पूरे वर्ल्ड में जब एटम्स कंबाइन करेंगे तो न्यू प्रोडक्ट होगी, उसको कोवेलेंट कंपाउंड बोलते हैं, यानी मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। इसकी एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास वाटर मॉलिक्यूल है, एटम्स का कंबिनेशन है, तो जो प्रोडक्ट है वो वाटर मॉलिक्यूल। इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ओजोन है, डिफरेंट एग्जाम्पल है। जब एटम्स सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड या ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू कंबाइन करते हैं, तो जो न्यू स्पीशी का न्यू प्रोडक्ट है उसको कोवेलेंट कंपाउंड बोलेंगे। मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं, और फार्मूला यूनिट्स वो आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं। मॉलिक्यूल्स तब बनते हैं जब एटम्स कंबाइन करें, और फार्मूला यूनिट्स यानी आयोनिक कंपाउंड्स तब बनते हैं जब आयंस कंबाइन करें।
क्लियर। नेक्स्ट मिक्सचर, जब टू और मोर एलिमेंट्स विदाउट एनी फिक्स्ड रेशियो आपस में कंबाइन करना है, रैंडमली कंबाइन करना है, तो जो न्यू प्रोडक्ट होगी उसको मिक्सचर बोलेंगे। थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, जब बगैर किसी फिक्स रेशियो के, बगैर किसी मुतय्यन निस्बत के एलिमेंट्स या एटम्स, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स बगैर किसी मुतय्यन निस्बत के बेतरतीबी से एक दूसरे के साथ मिल जाए, तो जो न्यू प्रोडक्ट होगी उसको मिक्सचर बोलेंगे। क्लियर। और मिक्सचर की दो टाइप्स है, होमोजीनियस मिक्सचर, हेटरोजीनियस मिक्सचर। अब आते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। अगर पूरी दो या दो से ज्यादा चीजें कंबाइन करता है और उसकी जो स्टेट है, जो हालत है, वो सारी की सारी होमोजीनियस हो, एक जैसी हो, फिजिक उसकी शेप वो एक जैसी हो, बेतरतीबी से भी चाहे मिले लेकिन उनकी स्टेट जो है वो एक जैसी हो, तो वो प्रोडक्ट क्या कहलाएगी? होमोजीनियस मिक्सचर। उसकी एग्जांपल में देखिए आइसक्रीम, या सपोज करें आप पानी है उसमें रूह अफजा मिक्स करते हैं, चीनी मिक्स करते हैं, थोड़ी बर्फ डालते हैं, मिक्स कर देते हैं, तो जो न्यू प्रोडक्ट है वो क्या होगा? ड्रिंक बन जाएगी। कि इसको अच्छी तरह से मिक्स करें, वो सारा, फॉर एग्जाम्पल आपने एक एग्जाम्पल आया है, उसकी जो स्टेट है वो होमोजेनाइज हो चुका है, उसकी स्टेट होमोजीनियस है। अब कहीं से भी लेंगे उसका टेस्ट एक जैसा होगा। तो जब ऐसी फॉर्म हो जो होमोजेनाइज हो, एक जैसी हो पूरी की पूरी स्टेट, ऐसे मिक्सचर को होमोजेनियस मिक्सचर बोलते हैं। जब टू और मोर थिंग्स विदाउट एनी फिक्स्ड रेशियो रैंडमली कंबाइन कर जाए, तो उस सूरत में हेटरोजीनियस मिक्सचर प्रोड्यूस होते हैं। अगर स्टेट एक जैसी ना हो, हालत एक जैसी ना हो, और हेटरोजीनियस मिक्सचर में जो एलिमेंट्स हैं वो अपनी अपनी खसूसियात, अपनी अपनी प्रॉपर्टीज जो हैं वो कंटिन्यू रखते हैं, डिफरेंट प्रॉपर्टीज कंटिन्यू रखते हैं। सपोज करें आपके पास एक जग पानी है, आप उसमें थोड़ी सी रेत मिक्स कर देते हैं, उसको जितना मर्जी मिक्स करें, जब आप छोड़ेंगे तो थोड़े से वक्त के बाद रेत के जो पार्टिकल्स हैं वो नीचे बैठ जाएंगे। है ये मिक्सचर ही, लेकिन ये होमोजीनियस नहीं है, हेटरोजीनियस है, इसकी स्टेट होमोजीनाइज नहीं है, एक जैसी नहीं है, मुख्तलिफ यानी बेतरतीबी से हरकत करके भी ये एक दूसरे में हल नहीं हो पाए, तो ऐसी स्टेट को हेटरोजीनियस स्टेट बोलते हैं और ऐसे मिक्सचर को हेटरोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। अब जब पानी लेंगे थोड़ा सा टाइम गुजरने के बाद, ऊपर से पानी लेंगे तो उसमें रेत का कोई पार्टिकल भी नहीं होगा। अगर आप पानी मिड में से लेंगे, दरम्यान में से लेंगे, हो सकता है थोड़े बहुत पार्टिकल उसमें रेत पे आ जाए, लेकिन वो मिक्स नहीं हुए होंगे। इसी तरह से जब आप लास्ट से पहले से बॉटम से पानी लेंगे तो उसमें रेत के पार्टिकल ज्यादा होंगे, पानी भी होगा, तो मीन्स स्टेट यूनिफॉर्म नहीं होगी, वो हेटरोजीनियस स्टेट होगी। और ऐसे मिक्सचर को जिसकी स्टेट हेटरोजीनियस हो उसको हेटरोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। इसकी एग्जांपल में लकड़ी, पत्थर,